हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। इसके लिए एक बर्तन में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक। इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉईल कर देंगे। अब देखिए ये बढ़िया से बॉईल हो गया है। अब इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे। अब हम एक जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे उबले हुए पालक। अब हम लेंगे 2 इंच के करीब अदरक, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। हमने सभी को अच्छे से पीस लिया है। इसके लिए कुछ मसाले लगेंगे, जिसमें मैंने 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर लिया है। अब एक बाउल में हमने जो पालक का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू डालेंगे, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। अब इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा, हम इसमें एक एक करके सारे कबाब को डाल देंगे तलने के लिए। इसे बढ़िया से पलटते हुए सेकना है ब्राउन होते तक। ये बढ़िया से ब्राउन हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान है इसे बनाना, कितना झटपट से बनती है ये रेसिपी। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर खाइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।